अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को होल चिकन के जो पीसेस हैं वो आप घर पर किस तरह से बनाएं, तो वो बनाना मैं आपको बता रही हूँ। इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैंने ये किया है कि एक होल चिकन मैंने लिया है, इसके अब मैं आपको पीसेस बनाना बताऊँगी। ठीक है, इसको मैंने वॉश कर लिया था चिकन को। अच्छा जी, इसके जो जॉइंट्स हैं वो समझना ज़रूरी हैं। एक दफ़ा आपको जो जॉइंट्स की समझ आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको खुद ब खुद आपका हाथ इसके ऊपर चलने लगेगा। लेकिन यह है कि अगर आप बिगिनर हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जस्ट जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूँ उसको फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि एक कटिंग बोर्ड आपको चाहिए और एक ये मैं नाइफ इस्तेमाल कर रही हूँ, नाइस एंड शार्प। तो कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं छुरी, लेकिन तेज़ होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब ये है कि ये देखें, सबसे पहले हम इसकी लेग्स के ऊपर आएंगे। ये देखें, ये वाला जो लेग का जॉइंट होता है इसका, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इसका जॉइंट होता है। आप इसको टच करेंगे तो आपको यहाँ से पता भी लगेगा। तो अब ये करेंगे कि हम जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा नाइफ चलाएंगे। ये देखें, जैसे ही नाइफ चलाया तो आपको यहाँ पे ये जॉइंट नजर आ रहा होगा। तो बस अब हम इसको काट देंगे यहाँ से। ये देखें, एक लेग हमारी हो गई। अब इसी तरीके से जो दूसरी है उसके ऊपर जस्ट आप यहाँ पर कट लगाएं, जहाँ पे आपको फील हो के जॉइंट है, ठीक है। कट लगाएंगे तो वो नीचे से हड्डी नजर आने लगेगी, फिर हम इसको काट देंगे। ऑल राइट, अब जो सेकंड काम है वो हम इसकी थाइस पे करेंगे। ये है थाइस, और थाइस जो इसकी बैकबोन के साथ यहाँ पर जॉइंट होता है इसका, हम यहां पे छुरी चलाएंगे। ये देखें, ये अलग हो गई, इसको साइड पे रख दें। अब ये है कि यहां पे, ये देखें, इसको आप साइड पे करेंगे। ये देखें, इधर इस जगह के ऊपर आपने स्ट्रेट यूं रख के तो छुरी चलानी है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा कट लगाएंगे आप इसको यूं करें, और ये देखें, ये वाली हड्डी इसकी सेपरेट हो गई है। अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे। ये देखें, अब ये है कि अगर आप इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो ये वाली जो बोन है इसको यूं करेंगे और यहाँ पे हम छुरी चला लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से दूसरी है। चलिए, अब यह है कि ये वाली इसकी मैं काट के फेंक दूंगी। अब ये वाली जो हड्डी है ये आप चाहें तो चिकन की यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इतना बड़ा पीस रखने चाहें तो यहाँ से सेंटर में आपको कट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आज इसको फुल ही रख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब है चिकन विंग्स। इसके ऊपर सबसे पहले ये मैं स्किन उतार लेती हूँ। एक टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से आप इसको खींचेंगे तो ये इजीली उतर जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोगों ने ये करना है कि मैं तो ये वाला जो इसका आखिरी वाला हिस्सा होता है ये मैं फेंक देती होती हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी जब आप टच करेंगे तो ये देखें, ये इसका जॉइंट है, ये वाला। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये देखें, साथ ही ये कट गया, ये अब आप फेंक दें। अब यहाँ पर ये है कि ये देखें, ये वाला जो जॉइंट है ना इसका, आपने कट यहाँ से लगाना शुरू करना है, इधर से। यहाँ आप हाथ लगाएंगे आपको फील भी होगा,
यहाँ छुरी रखें और इसको जैसे जैसे ये जा रहा है इसको जाते जाने दें। ये देखें यहाँ हम पहुँच गए, अब हम इसको अलग कर लेंगे। इन दोनों को आप इकट्ठा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटा बनाना है तो यहाँ पर भी आप इसका जॉइंट को फिल करें तो बस वहाँ पे आप कट लगाएं। और ये देखें ये हमारी दो बोटियाँ इसकी भी बन गई। इसी तरीके से जो दूसरा है वो कर लेंगे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि हमने इसकी ये बैक बोन को ब्रेस्ट पीस से अलग करना है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट यहाँ पे आप कट लगाएं, यूँ देखें ऐसे, ठीक है, यूँ करें। ये देखें ये अलग हो गया, अब हम इसको काट लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी गर्दन को अलग कर लेंगे यहाँ से। ये हो गई, ये मैं इसका पूरा पीस रख रही हूँ, आपने दो करने हैं तो ये सेंटर से आप कट लगा लें तो ये दो पीस आपके हो जाएंगे। अब ये है कि ब्रेस्ट पीस है, ये सेंटर में हमने इसको छुरी लगानी है। ये देखें यहाँ पे लग गई, अब आप इसको एंड तक ले जाएं। यहां पे हमें थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ये हमारे दो पीस हो गए। अब हम इसको काट लेंगे, जितनी साइज की आपको बोटी बनानी है आप बना लें। ये देखें ये मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, आपने मज़ीद भी छोटी करनी है तो आप इसके दो कर लें। ठीक है, इसी तरीके से इसको कर लूँगी। ये देखें तो ये गोश्त हमारा कट चुका है, बिल्कुल तैयार है। देखें कितना इजी है इसको बनाना, तो आप इसको कीजिएगा ट्राई थोड़ी। अगर आप बिगिनर हैं तो एहतियात कीजिएगा क्योंकि नाइफ़ काफ़ी तेज़ होती है, तो आप अपने हाथ का ख्याल रखिएगा। तो ये तो थी आज की रेसिपी, आज की वीडियो, तो ट्राई कीजिए, बताइएगा कमेंट्स में आपको कितनी अच्छी समझ आई। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।